कर्ज माफी, बिजली के दाम कम करने समेत कई मुद्दों को लेकर हरिद्वार से निकली किसानों की किसान क्रांति पदयात्रा मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसान क्रांति पदयात्रा को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने वाले बॉर्डर को सील कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई है, साथ ही किसानों पर नजर रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। हम ये चाहते हैं जैसे मूल्य सूचकांक हर एक कंपनी अपना उस पर रेट घेरती है, उसकी इतनी लागत आई, इतनी मजदूरी गई, हमारे में कोई रेट ही नहीं है। हम तो जो कम हुआ है हमारा तो बराबर भी ना हो रहा, हम तो डूब गए कर्जे में बिल्कुल। इससे पहले देर रात किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, लिहाजा वह उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन किसानों ने बिना प्रधानमंत्री से मिले वापस लौटने से इनकार कर दिया। किसान क्रांति पदयात्रा में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान शामिल हैं।